నంజలర్ స్థానిక నూనేపల్లి కుబ్రా మసీద్లో ఇమాముల సంఘం ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ నెల క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించిన మామిడి సంఘం అధ్యక్షుడు అంసద్ భాషా సిద్దికి పవిత్ర రంజాన్ నెల ఉపవాసాలు ప్రారంభమవుతున్నాయని రంజాన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం సహారీ మరియు ఇఫ్తార్ సమయాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది ఇమాముల సంఘం అధ్యక్షులు అంసద్ భాషా సిద్దికి అన్నారు రంజాన్ నెల ముస్లింలకు ఎంతో పవిత్రమైనదని ఈ నెలలో ఉపవాసాలు ఉండడం వల్ల మన పాపాలన్నీ క్షమించబడతాయని చెప్పారు ఈ నెలలో తప్పకుండా ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ మాసంలో రోజాలు ఉండాలని అల్లా ఆశీస్సులు ఆ కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని తెలిపారు వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్ అల్హమ్దులిల్లాహ్ అల్లా కే ఫజల్ వ కరమ్ సే ఫిర్ జో హై ఇస్ సాల్ రంజానుల్ ముబారక్ माह रमजान मुबारक आ रहा है, लिहाजा इस मौके पर हमारे तमाम शहर नंजाल के उलमा इकराम हज़ब मामूल जिस तरीके से हर साल भी रमजान का जो है निज़ामुल औक़ात जो कैलेंडर बनाया जाता था, इस साल भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कैलेंडर जो है ये निज़ामुल औक़ात बना दिए हैं। बराए मेहरबानी जितने भी शहर नंजाल के और नंजाल के अतराफ अकनाफ के जितने भी लोग सहरी और इफ्तार करना चाहते हैं, इस कैलेंडर के मुताबिक जो टाइम दिया गया है इसी के मुताबिक जो है इंशाल्लाह इसी पर अमल करें, ताकि हम जो है रमज़ान अल्लाह का एक जो है एक मखसूस इबादत है, इस इबादत के लिए हम रोज़ा रखते हैं। तो लिहाजा इस मौके पर हम यही चाहते हैं कि हमारे रोज़े सही हों, हमारी नमाज भी सही हो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उज़िला फ़ीहि अल-क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रमजान मुबारक का तआरुफ़ करवाते हुए इरशाद फरमाया, माह रमजान जिसमें कुरान मजीद भेजा गया है, नाजिल किया गया है, इसकी वजह यह है कि लोगों के लिए यह कुरान हिदायत है। इस आयत से मालूम हुआ कि रमजान मुबारक और कुरान करीम के दरमियान एक खास रब्त है, एक खास ताल्लुक है। इसलिए कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए जो है इसको इंतखाब किया, जिसे पुरअज़मत महीने की जो है मुंतखब इस महीने को मुंतखब फरमाया। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि इस महीने की खास इबादत जो है रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, बस जिससे जो है हमें मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का जो है ये महीना खास इबादत का महीना है। तो अल्लाह ताला से जो है जो बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह का क़ुर्ब व नसीब उसको हो जाता है, और अल्लाह की नेमतों पर जो है शुक्रगुजारी की सआदत उसको हासिल होती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस महीने की जो है इस महीने की अज़मत करते हुए इस महीने के जो है जहाँ भी हो जितना भी हो हम इस महीने की खदरदानी करते हुए इसके अंदर जो है इबादत करें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर इतना बड़ा सवाब रखा है कि अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर जो है एक नफिल पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में जो है एक फ़र्ज़ का सवाब यानी 70 नफिलों का सवाब, अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर एक फ़र्ज़ अदा करता है तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है 70 फ़र्ज़ों का जो है सवाब इसके हक़ में अदा करते हैं। तो मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस महीने के दिनों का रोज़ा फ़र्ज और रातों की इबादत को जो है नफिल करार दिया है। जो शख्स इस महीने में एक नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके हक में 70 नेकियां अदा करते हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को जो है हम सब के लिए अता फरमाया, ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। दूसरा यह है कि खैरख्वाही का महीना है, इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो कोई इस मुबारक महीने में किसी रोज़ेदार को जो है इफ्तार कराता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जो है तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और उसको जहन्नम से जो है आज़ादी का परवाना मिलता है। तो मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, खासकर जो है इस महीने के अंदर जो इबादत हमें करनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले हम जो है कलिमा तैयबा का जो है कसरत के साथ जो है अल्लाह का जिक्र करते रहे। दूसरा यह है कि इस्तग़फ़ार भी जो है कसरत से करते रहे, और तीसरा यह है कि जन्नत की तलब हासिल करते रहे, और चौथा यह है कि आग से पनाह मांगते हुए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है अजाब तमाम अजाब खबर से और अजाब जहन्नम से हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। तो लिहाजा मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों,
ये रमजान मुबारक जो है नेकियों का सीजन का महीना है। हर तरीके से जो बंदा जिस तरीके से जिस लाइन से भी जो इबादत करे अल्लाह की नेकियों को हासिल करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वतआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। हमारे आने वाले रमजान मुबारक की कदरदानी करते हुए हमको जो है अच्छे तरीके से जो है रोजे रखते हुए और जो है नमाज तरावी अदा करते हुए और इबादत करते हुए अल्लाह को राजी करते हुए खासकर इफ्तार के वक्त में दुआओं का जो है जखीरा बनाकर अल्लाह से दुआ मांगते हुए, क्योंकि कबूलियत का वक्त है इसलिए हम इफ्तार के वक्त में दुआ करें। अल्लाह हमारी इबादतों को हमारी आने वाले रमजान की कदरदानी करते हुए इस पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमा दे। ఈ సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఇమాముల సంఘం మజ్లిసుల ఉలమా వల ఇమ్మా నుండి రంజాన్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయడం జరిగింది। ఇమాముల సంఘం ఏ టైమింగ్ ఇఫ్తార్ అంటే ఉపవాసం పెట్టే ఆర్ అలాగే ఇఫ్తార్ సాయంత్రం పూట ఉపవాసం విడిచే టైం ఏ టైం అయితే చెప్పినారో దాని ప్రకారంగా నంద్యాల పట్టణ వాసులు అలాగే పరిసర ప్రాంతాలలో ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఈ క్యాలెండర్ టైం ని ఫాలో అయితే చాలా బాగుంటది అని ఇమాముల సంఘం నుంచి తెలియజేయడమైనది। అలాగే ఈ రంజాన్ మాసంలో ఎక్కువగా నమాజ్ చదువుతూ ఉపవాసాలు పెడుతూ అలాగే శాంతి భద్రతలను కోసం దువా చేస్తూ ఉండాలని ఇమాముల సంఘం కోరుతున్నాం। వక్తస్సలాం।